Hello everyone, welcome to the online classes by CR International School. Myself Sumit Thakkar. और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा आर्टिकल है मीटर ब्रिज. कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, वीट स्टोन ब्रिज. ठीक है, वीट स्टोन ब्रिज के बारे में बात की थी हमने, जो कि एक अरेंजमेंट था चार रेजिस्टेंस का, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे. जब गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होता है तो पी बटा क्यू किसके बराबर होता है, आर अपॉन एस के बराबर. ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे. आज हम पहले स्टार्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने पढ़ा है उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है. ठीक है, उसके बाद हम व्हीटस्टोन ब्रिज की कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे. देन आफ्टर हम आर्टिकल आएंगे आज मीटर ब्रिज का. थोड़ा सा आज लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है आज, तो पेशेंस तक बैठे. ठीक है बेटा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे थे हम. सबसे पहले हम बात करें सेंसिटिविटी क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की. सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो. ठीक है, सेंसिटिविटी ये होता है कि जैसे मान लो व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने रेजिस्टेंस थे, चार. चारों रेजिस्टेंस में से आपने किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर दिया, किसी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपने चेंज कर दिया. ठीक है, तो जो वैल्यू चेंज करी आपने, उस वैल्यू चेंज करने पर, ठीक है, वो जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है उसमें कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है. अगर उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है तो व्हीटस्टोन ब्रिज की सेंसिटिविटी ज्यादा है. अगर उसमें डिफ्लेक्शन कम आ रहा है तो उसकी सेंसिटिविटी क्या है, कम. मान लो आपके पास पी क्यू आर है, चार रेजिस्टेंस है, आपने क्यों को चेंज कर दिया, क्यों 200 ओम था, आपने 202 ओम कर दिया. ठीक है, तो एकदम से जो गैल्वेनोमीटर उसकी डिफ्लेक्शन एकदम से क्या आ गया, लार्ज आ गया, तो उसकी सेंसिटिविटी क्या है. और अगर डिफ्लेक्शन क्या हुआ, स्मॉल हुआ, सेंसिटिविटी क्या होगी. ठीक है, सेंसिटिविटी क्या है, ऑन चेंजिंग व्हाट, पी क्यू आर एस, इसमें से कोई भी एक रेजिस्टेंस आपने चेंज किया तो जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, जो क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है बेटा, वो डिफ्लेक्शन, ठीक है, अगर लार्ज हुआ तो सेंसिटिविटी क्या होगी उसकी, हाई. बोलेंगे कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज हाई सेंसिबल है. ठीक है, और अगर डिफ्लेक्शन क्या हुआ, स्मॉल हुआ, तो हम बोलेंगे कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो हमारा कैसा है, लो सेंसिबल है. मतलब उसकी सेंसिबिलिटी क्या, उसकी सेंसिटिविटी क्या है, लो. है ना, थोड़ा सा आपको इसके में हिंट भी मिल सकता है. मान लो आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दी, रिफ्लेक्शन एकदम ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि वो वेल बैलेंस्ड था उस रेजिस्टेंस में. आपने हल्का सा भी रेजिस्टेंस चेंज किया, उसमें पी बाई क्यू आर बाई एस का रेशियो एकदम से क्या होगा, डिस्टर्ब हो गया. है ना, तो जितना ज्यादा सेंसिटिव होगा ना आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, उतना ही ज्यादा या उतनी ही मोर एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड आउट करेगा, किसकी, अननोन रेजिस्टेंस. और कम सेंसिटिव हुआ तो उतनी ही कम वैल्यू को फाइंड आउट करेगा लिमिटेशन बोल दो या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बोल दो, सब मिक्स कर दिया मैंने, लिमिटेशन भी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी, सब मिक्स कर दिए मैंने. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये था कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा जो है ना, अगर हम बोल रहे हैं कि वो मोर सेंसिटिव है, उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो ये कब होगा, जब हमारे पास पी क्यू आर और एक्स चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर नियरली क्या हो, सेम हो. एग्जैक्टली सेम मत कर देना, तो डिफ्लेक्शन वैसे ही नहीं होने वाला. चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, नियरली सेम हो, ठीक है, तो हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो मोर क्या होगा, सेंसिटिव होगा, लार्ज डिफ्लेक्शन शो करेगा हल्की सी वैल्यू चेंज करते. तो अगर आपका पी के ओ आर एस नियरली सेम है तो यूं समझ लो
आपका व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल वर्क एक्चुअल कंडीशन में काम कर पाएगा। अगर आपने पी के वायरस की वैल्यू ज्यादा में डिफरेंस ले लिया, पी 10 ओम ले लिया, क्यों 400 ओम ले रहे हो, 300 ओम ले रहे हो, बहुत सारा डिफरेंस ले लिया, तो आपका जो पी के वायरस है ना, वो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है जो अननोन वैल्यू को फाइंड आउट करता है, वो एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करेगा। तो ये मोर सेंसिबल कब होगा, नंबर वन पॉइंट, मोर सेंसिबल कब होगा, जब आपका पी क्यू आर एस चारों की चारों इनकी वैल्यू क्या हो, नियरली क्या हो, सेम हो, ठीक है। ये इसके एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिमिटेशन की। मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस है, पी क्यू आर एस हम मीटर ब्रिज से हम निकालते क्या रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस आर उसकी वैल्यू बहुत लो है, या फिर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बहुत हाई। लो का मतलब मान के चलो आपका उसका रेजिस्टेंस 0.002 समथिंग लाइक दैट, ठीक है, और हाई का रेजिस्टेंस मान लो उसकी वैल्यू कितनी है, 10^6 ओम, है ना। ये बहुत लो रेजिस्टेंस हो गया और ये बहुत क्या हो गया, हाई। तो आप मीटर ब्रिज की हेल्प से ना तो किसी लो वैल्यू के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, ना किसी हाई वैल्यू। आप कैसी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, मॉडरेट वैल्यू। कैसी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बेटा, मतलब जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू मॉडरेट हो, मतलब मीडियम, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा क्या हो, लार्ज हो, तो आप उसी की वैल्यू को क्या कर सकते हो, किससे हेल्प से, व्हीटस्टोन ब्रिज से फाइंड आउट कर सकते हो। ध्यान रखना यही लिमिटेशन जो मैं पढ़ा रहा ना वो मीटर ब्रिज की भी हो जाती है। मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगा समझ लेना, यही लिमिटेशन उसकी है और यही लिमिटेशन इसकी है, तो टेंशन ना लेना कि आप मीटर ब्रिज की लिमिटेशन अलग से पढ़ाई नहीं, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करें, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मीटर ब्रिज में हमारे पास एक तो क्या होता है, देखो गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होती है, बैटरी, या फिर आपके पास क्या होता है, सेल। दो चीज होती है, एक गैल्वेनोमीटर होता है और एक क्या होता है, बैटरी। गैल्वेनोमीटर और बैटरी दोनों लगी होती है। अगर आप गैल्वेनोमीटर की जगह पर क्या लगा दो, बैटरी लगा दो, और बैटरी की जगह पर क्या लगा दो, गैल्वेनोमीटर लगा दो, ठीक है, तो आपका जो अरेंजमेंट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट टेक प्लेस। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या रहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज ही रहेगा। आप क्या चीज चेंज कर रहे हो, बोलो क्या चीज चेंज कर रहे हो बेटा, बैटरी की जगह पर गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर की जगह पर क्या लगा दिया आपने, आपने इंटरचेंज कर दी, तो जो बैलेंसिंग है या फिर जो डिफ्लेक्शन है, जितना भी डिफ्लेक्शन पहले दिखा रहा था उतना ही डिफ्लेक्शन बाद में दिखाएगा, अगर डिफ्लेक्शन जीरो था तो बाद में भी डिफ्लेक्शन क्या दिखाएगा, जीरो दिखाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम पे आएगा, एग्जाम्पल में आपको कुछ पूछ लेगा, पहले व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पर काम करता है, और दूसरा उसमें एक पॉइंट डाल देगा नीचे, इफ वी रिप्लेस अ बैटरी बाय द गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर बाय द बैटरी, व्हाट हैपेंस टू द मीटर ब्रिज, या व्हाट हैपेंस टू द व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। हम बोल सकते हैं इट डजंट अफेक्ट द व्हीटस्टोन ब्रिज, उसको इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि क्यों नहीं करेगा, बाद वो सेम, अगर आप एक डायग्राम बनाकर स्ट्रक्चर बनाकर समझने की कोशिश करोगे ना कि वो इफेक्ट क्यों नहीं करता, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, है ना। उसमें होता क्या है, देखो ये दो रेजिस्टेंस ही है, दो रेजिस्टेंस ही है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है और इधर क्या लगाई आपने, बैटरी लगाई है, आपने बैटरी को उठा के यहाँ लगा दिया और उसको उठा के यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो अब 1, 2, 3, 4 रेजिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में क्या लगा हुआ, गैल्वेनोमीटर, और उन्हीं दोनों के बीच में क्या लगी हुई, बैटरी। बात वही बनती है, हमारे पास चार, देखो इसके अंदर हम बात करें 1, 2, 3, 4 ABCD चार टर्मिनल्स हैं, दो टर्मिनल पे तो हम क्या जोड़ देते हैं, बैटरी, और दो टर्मिनल पे आपने क्या जोड़ रखा है, सेल, सॉरी गैल्वेनोमीटर, बैटरी और गैल्वेनोमीटर, या तो इस पे बैटरी जोड़ दो, इस पे गैल्वेनोमीटर जोड़ दो, या इस पे बैटरी जोड़ दो, इसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ दो, कोई इफेक्ट नहीं। तो आप अगर इंटरचेंज कर दो किसको, किसको इंटरचेंज कर दो, बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को, तो मीटर ब्रिज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको आज बताइए मैंने क्या, सेंसिटिविटी क्या होती है मीटर ब्रिज की, दूसरा मैंने बताया है इसकी लिमिटेशन और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके, मीटर ब्रिज की। तो अब हम स्टार्ट करेंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज बहुत अच्छी बात है, क्या एक डिवाइस है बेटा, क्या है, मीटर ब्रिज इज अ डिवाइस, ठीक है।
ये डिवाइस वही काम करता है जो कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज करता था। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता था, अननोन वैल्यू को निकालता था, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करता था। कौन? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो मीटर ब्रिज भी क्या काम करता है, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करता है। ठीक है, अब आपसे पूछेगी ये डिवाइस किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सर ये डिवाइस काम करता है किस पर, डब्ल्यू एस बी प्रिंसिपल पर। डब्ल्यू मतलब व्हीट, एस मतलब स्टोन और बी मतलब ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर ये काम करता है। कौन? आपका मीटर ब्रिज। अब आप ऐसे बोल सकते हो कि व्हीट स्टोन ब्रिज तो ना थ्योरी है और मीटर ब्रिज जो है वो क्या है, प्रैक्टिकल है। क्या है? तो आप बोल सकते हो व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एनालॉग, प्रैक्टिकल एनालॉग क्या है, मीटर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज डिवाइस विच इज यूज टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, इट इज इट्स वर्क ऑन द विच प्रिंसिपल, डब्ल्यू एस बी। डब्ल्यू एस बी मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है ना। तो आप देखो, आपको दिमाग में आ रहा होगा इस बार मीटर क्यों रख दिया, रख दिया होगा ना, क्योंकि जिसने इसको बनाया था उसकी हाइट 1 मीटर थी। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका नाम मीटर इसलिए रखा, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है वो हम रीजन बताएं। ठीक है, तो रीजन बताने से पहले मैं आपकी इसकी कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एनालॉग इसने कैसे बनाया। व्हीटस्टोन ब्रिज का इसने प्रैक्टिकल एनालॉग कैसे बनाया। अब कैसे बनाया, तो वो तो बनाने के लिए तो हमें क्या लिखेंगे यहां पर, कंस्ट्रक्शन। किसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मीटर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की बात, है ना। तो व्हीट भाई मीटर ब्रिज मेरे को पता है बनाया कैसे, व्हीटस्टोन ब्रिज से, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बना लेते हैं, फिर उसको देख देख के कॉपी पेस्ट करेंगे क्या बनाएंगे, मीटर ब्रिज। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाने के लिए मैं यहाँ बनाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे स्केल है। देखो ये हमारे पास हो गया 4 रेजिस्टेंस, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया क्या क्यू, ये हो गया हमारे पास क्या आर, और ये हो गया हमारे पास एस। पी के वाला 4 रेजिस्टेंस हो गए, वेरी गुड। यहां पर हमने क्या जोड़ दिया इसको, हमने जोड़ दिया इसको, जोड़ दिया किससे, गैल्वेनोमीटर से। और यहां पर लगा दी क्या बेटा, बैटरी। ये मैंने इसलिए बनाया था कि हम जो मीटर ब्रिज पढ़ने वाले ना, उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले, तो इसको देख देख के समझ में आ जाएगी हमको कि बैटरी लगा दी और करंट पास कर दिया, ठीक हो गया। देखो इसमें रेजिस्टेंस है 4 P Q R S। तो पहले हम क्या करेंगे, इन 4 रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट करेंगे। कैसे क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर ब्रिज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वुडन का, वुडन शेप का, रेक्टेंगुलर शेप का ना, एक लकड़ी का इस शेप का वो लेना पड़ेगा आपको। कोई भी वुडन ब्लॉक है, ये एक लकड़ी है, समझ लो आप बेसिकली ना, इस शेप की रेक्टेंगुलर शेप की लकड़ी, इसके ऊपर हम अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप की आपके पास एक क्या है, लकड़ी है, या भी बोल सकते हैं वुडन है, वुडन ब्लॉक बोल सकते हैं इसको। इसके ऊपर हम काम करेंगे, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब जो भी मटेरियल हमें लगाना है वो हम इसी के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों रखा वो बताएं। यहां पर ना एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, क्या पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए। ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने क्या, पॉइंट बी। ठीक, इस पॉइंट पर एक वायर बांधी, कील, यहां पे एक कील गाड़ी लकड़ी के अंदर, एक कील यहां लगा दी और एक कील आपने आयरन की नील होती है इंग्लिश में बोलते हैं ना उसको, तो उसको एक कील पर से लगा दिया मैंने, और कील पर एक वायर जोड़ दी। क्या जोड़ दी, कील पर एक वायर, यहां से वायर ली, इसमें बांध के आते बांध। ये जो वायर है, ये जो वायर है, इस वायर की लेंथ है 1 मीटर। कितनी लेंथ है, 1 मीटर, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, मीटर ब्रिज। क्लियर है? ठीक है, अब ये वायर है 1 मीटर की, तो वायर की लेंथ मेजरमेंट करने के लिए इसके नीचे
इसके नीचे जस्ट नीचे हमने एक स्केल लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? एक स्केल। स्केल पे लिखा हुआ है यहाँ पर 0 सेंटीमीटर, और एक एक मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कितने सेंटीमीटर तक होगा? 100 सेंटीमीटर। और बीच में कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? 25 है 12.5। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा? 75 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी ले ली आपने? कितनी लेंथ ले ली इसकी आपने? 1 मीटर की। ठीक है, और ये जो वायर बनी है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो वायर बनी है जिस मटेरियल की बनी है वो है हमारा अलॉय। क्या है बेटा? अलॉय, है ना? कुछ याद रखना, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आता है कि जो हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो सारे अलॉय से क्यों बनते हैं? क्वेश्चन आ जाएगा, है ना? व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, या बोलते थे व्हाई द ऑल अप्लायंस आर मेड अप ऑफ व्हाट? अलॉयज के क्यों बनते हैं? तो उसके पीछे 4-5 रीजन है। ठीक है, वो 4-5 रीजन मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा इसके, ना? फिलहाल आपको बता दिया ये वायर किसकी है, किससे बनी हुई है वायर? अलॉय से बनी हुई है। ठीक है, ये जो वायर है ए और बी, ये ए से लेकर बी तक की वायर है ना, ये काम कर रही है बेटा आर और एस का। कैसे काम कर रही है आपको धीरे समझ में आता है? किसे काम कर रही है? आर और एस का पूरा काम कर रही है, मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन मैंने बना दिया। अब क्या बनाना है मुझे? पी और क्यू। क्या बनाना है? पी और क्यू। अब देखो, इस वायर से कनेक्ट होते हुए एक मेटल की स्टील की लेते हैं, बेसिकली एक स्टील की हम स्ट्रिप ले लेते हैं। स्ट्रिप समझते हो? स्ट्रिप का मतलब एक स्टील की आपके पास इस शेप की चीज है, पत्ती है, एक पत्ती टाइप का स्टील की बनी हुई है, या फिर किसी मेटल की बनी हुई इस शेप की हो, इनवर्टेड एल की शेप की, ना? और ये किससे टच हो रही है? किससे टच हो रही है? इस पॉइंट ए से। ठीक है, ऐसी एक मेटल की स्ट्रिप या फिर किसी भी चीज की स्ट्रिप, कंडक्टर होना चाहिए, यहां लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही एक और स्ट्रिप ली इनवर्टेड एल शेप की, उसको यहां पर लगा दिया। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर सकता है, इसमें से भी करंट फ्लो कर सकता है, इसमें से भी करंट फ्लो कर सकता है, और ये ए और बी को इन दोनों से कनेक्ट कर दिया, इस मेटल स्ट्रिप को। इसका नाम दे देते हैं स्ट्रिप को S1, इसका नाम दे देते हैं किसको? S2। इसका नाम क्या दे देते हैं? S3। S1 कनेक्ट है किससे? ए से। S2 कनेक्ट है किससे? बी से। S1 किसी से भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर फिर पिन होती है, एक पिन यहाँ पर होगी, 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 और एक पिन। ठीक है, जब आप इसका एक्सपेरिमेंट करोगे ना, कहाँ पर एक्सपेरिमेंट करोगे? 12th क्लास के अंदर, तो आपको ये सब चीज दिखाई देंगी, किसमें? मीटर बिच को, एक से एक चीज दिखाई देंगी। तो देखो, जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? अब यहां इस पिन से एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं हम, इसके साथ। ये रेजिस्टेंस कौन सा आपका? पी। तो इसकी वैल्यू क्या है आपके पास? पी। मैंने बताया ना, आर और एस का काम तो कर रही है ये वाली वायर, पी हो गया ये वाली वायर। ठीक है, अब बचा कौन? क्यू। तो क्यू कौन कहां पर लगेगा? यहां पर। ये क्या हो गया? क्यों? क्यों मान लेते हैं हम अननोन है? क्यों क्या मान लेते हैं हम? अननोन है हमें, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे? हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? क्यों? क्यों हमारे पास क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब बच क्या गया? देखो, एक तो बच गई क्या? बैटरी। और एक बार बच गया गैल्वेनोमीटर। बैटरी कहां कनेक्ट करेंगे? ये पॉइंट हो गया आपके पास पी। ये क्या हो गया? ऊपर वाला पोर्शन हो गया। और ये आरएस कौन सी वायर होगी? ये वाली वायर आरएस होगी। ठीक है, तो बैटरी कनेक्ट करनी है, कहां से कनेक्ट करेंगे? यहां से बैटरी। यहां पे लगा दिए की। बोलो जी, हो गया बैटरी का काम कंप्लीट। अब क्या बच गया? सिर्फ हमारे गैल्वेनोमीटर बच गया। क्या बच गया? तो ये जो बीच वाली पिन है ना, बीच वाली पिन, यहां से एक वायर जोड़ दी। ठीक है, इस वायर को जोड़ने के बाद इसको कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। किसे कनेक्ट कर दिया?
गैल्वेनोमीटर में कितनी वायर होती है? दो वायर। कितनी वायर होती है? दो वायर। तो दूसरे पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया जॉकी से। किससे कनेक्ट कर दिया? जॉकी। अब जॉकी क्या होता है? ठीक है, जॉकी एक ना पेन टाइप की स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लो एक पेन है, पेन इसकी जो ये नहीं भाई, ये किसी चीज पर रख के चलाने काम आती है ना। तो जॉकी भी एक ऐसा ही होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जो बनी किससे होती है, रबड़ से या प्लास्टिक से या इंसुलेटर से बनी होती है, जिसके बीच के अंदर मेटल होता है। बीच के अंदर क्या होता है? मेटल। आपने मान लो यहां से वायर कनेक्ट कर दी जॉकी पे, तो इसका जो पिन है वो भी किससे बनी होती है? मेटल से। पिन किससे बनी होती है? मेटल से। यहां से कनेक्ट कर दिया उस वायर को, उसका कनेक्शन किससे हो गया? उसकी पिन से हो गया, है ना। अब आप जॉकी को, जो आपकी वायर है ना 1 मीटर की वायर, उसके ऊपर टच करके स्लाइड कर सकते हो। उससे होगा बेनिफिट कि आपने जॉकी पर स्टाइल स्लाइड किया, आपका हाथ जॉकी पर इधर है, अब जॉकी पर स्लाइड कर, आपका हाथ इधर है, तो आपके हाथ में करंट ना जाकर सीधा करंट किस में जा रहा है? उस वाली वायर के अंदर। जहां भी टच करोगे वहीं करंट पास करेगा, समझे। तो जॉकी क्या है? जो कि हमारे एक पेन टाइप की क्या है, स्ट्रक्चर है। एक पेन टाइप का क्या है, मटेरियल है, जो बाहर से कैसा है इंसुलेटर, अंदर से कैसा है मेटल से बना हुआ है। इसमें हम क्या, इसका हम क्या काम करते हैं कि करंट पास हो जाए। मान लो मेरे हाथ में ये जोकी है, सपोज ये जोकी है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर से एक वायर आई, उस गैल्वेनोमीटर वाली वायर को मैंने यहाँ जोड़ दिया, अब जोकी कनेक्शन यहाँ से देगा। इस जोकी को मैंने ऐसे रखा और इस जोकी को मैं स्लाइड कर रहा हूँ किस पर, तो ये जोकी क्या कर रही है, इस वायर के अंदर यहाँ पर करंट पास किया, यहाँ रखूँ तो यहाँ से करंट पास करेगी, कुछ करंट यहाँ भेज देगी, कुछ करंट वहाँ भेज देगी, यहाँ पे पास रखूँ तो करंट पास कर देगी। समझ में आया नहीं? ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, कंस्ट्रक्शन। किसकी कंस्ट्रक्शन हो गई? सारी बात समझ में आ गई। पी हमारे पास वो हो गया रेजिस्टेंस, क्या वो हमारे पास ये रेजिस्टेंस हो गया। नीचे वाली वायर हमारे पास क्या होगी? आर ओ एस, पूरी वायर होगी, ठीक है। और नीचे हमने किससे कनेक्ट कर दिया? उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और वहाँ एक गैल्वेनोमीटर लिया, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया किससे? चौकी से। जॉकी के मैं आपको बता चुका हूँ, जॉकी एक पेन है जिसके अंदर बना हुआ मेटल है, बाहर जिसके बना हुआ क्या है, वो इंसुलेटर, ठीक है। अब मैं बात करूंगा इसकी वर्किंग की और इसकी थ्योरी की, कि कैसे ये काम करता है और क्या इसके प्रोसीजर है। कि अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा बेटा कि भाई ये आर और एस, नीचे वाली वायर आर ऐसा काम कैसे करेगी, ठीक है। देखो मैंने सर्किट में स्विच को ऑन कर दिया, करंट चला गया, करंट पी भी, पी में भी चला गया, गेहूं में भी चला गया, और इस वायर में भी करंट चला गया, है ना। अभी गैल्वेनोमीटर से आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है, और गैल्वेनोमीटर से ये जो पॉइंट है इसको आपने क्या कर दी, जोकी, जो जोकी यहाँ पर कनेक्ट कर दी ना, और जोकी स्लाइड कर रहा है उस वायर पर, ठीक है। आप जब जोकी को इस वायर पर सिलेक्ट करोगे, जब जोकी को आप आगे लेके जाओगे बेटा, हमें पता है गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो, IG की वैल्यू गैल्वेनोमीटर में क्या होती है बेटा, जीरो होती है। कब? जब P अपॉन Q किसके बराबर हो? R अपॉन S की। ये पता है ना आपको, P अपॉन किसके बराबर हो? R अपॉन S की। अगर ऐसा हो जाए तो हमारा गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होता है? जीरो। मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस जॉकी को इस पर स्लाइड कर रहा हूँ, जब जॉकी को इस पर स्लाइड करूंगा, ठीक है, तो जैसे स्लाइड करूंगा ना बेटा, आगे लेके जाऊंगा, एक लेंथ, एक हमारे को ऐसी पॉइंट मिलेगा, इसी 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा। मान लो ये पॉइंट यहाँ आगे मिल गया, के पॉइंट मिल गया, जिस पॉइंट पर ए और बी के बीच में हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर अगर मैं जोकी को रखता हूं तो उस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना होता है? जीरो होता है। मतलब उस पॉइंट पर आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, आपका मीटर ब्रिज जो है, बैलेंस जाता है ना। तो वो के पॉइंट पर बैलेंस हो गया, तो मैं उसकी लेंथ को मान लूंगा जहां ये बैलेंस हुआ है, उसकी लेंथ को हम स्केल से पढ़ सकते हैं कितनी लेंथ है उसकी ना, उस लेंथ को मान लिया हमने कितना, एल सेंटीमीटर। तो एल हमारे पास क्या हो गया, एल को बोलेंगे बैलेंसिंग लेंथ। क्या बोलेंगे एल को? बैलेंसिंग लेंथ। तो इस एल लेंथ पर हमारा मीटर ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। बची हुई लेंथ कितनी होगी? ऑब्वियसली बात, अगर ये लेंथ एल है तो बची टोटल सेंटीमीटर कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, तो बची हुई कितनी लेंथ होगी बेटा, 100 माइनस कितना, एल सेंटीमीटर। यस और नो? मान लो आपने जोकी को स्लाइड किया, किसके ऊपर, वायर के ऊपर स्लाइड किया, आपको 25 सेंटीमीटर पर जाकर
बैलेंसिंग लेंथ मिल गई 25 पर, बैलेंसिंग लेंथ आ गई 25 और बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी 75, 100 में से 25 हटा दिया, ठीक है। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई एल, और 100 माइनस एल रिमेनिंग लेंथ हो गई, यस और नो? अब ध्यान से देखो बेटा, जहां ये बैलेंस हुआ है बैलेंसिंग लेंथ, वो काम कर रही है किसका, आर का। आर का काम कौन कर रहा है, एल, यस और नो? और बची हुई जो लेंथ है उसका काम कौन करेगा, एस। कितना होगा 100 माइनस, समझ आ रही है? आर का काम कौन कर रहा है, एल काम कर रहा है। मतलब जो एल वायर का रेजिस्टेंस है, एल वायर का रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा आपके, आर के बराबर। और जो 100 माइनस एल का रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा आपके, एस के बराबर, ठीक है। जब आप धीरे धीरे जोकी को आगे स्लाइड कर रहे हो तो किसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हो, आप वैल्यू बढ़ा रहे हो, किसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, आर की वैल्यू, है ना। आर की वैल्यू बढ़ रही है और एस की वैल्यू क्या हो रही है, कम। मान लो ऊपर 2 है, यहां पे 4 है, ठीक है, आप नीचे से वैल्यू चेंज कर दीजिए कभी, तो इन दोनों का रेशियो 2 और 4 का रेशियो कितना आएगा, 2/4 करो, 1/2 आया, 0.5 आया, तो आप इस लेंथ को बढ़ाओगे कभी, इन दोनों का रेशियो भी कितना आएगा, 0.5, और कहाँ आएगा, बिल्कुल बीच में, है ना, बीच में आएगा, कहाँ आएगा रेशियो। ये लेंथ लेनी है आपको एल, और ये लेंथ कितनी लेनी है आपकी, 12 हो जाएगी। मतलब आपकी जो ये लेंथ एल वन आई है, और ये कितनी आई, 100 माइनस एल कितनी होनी चाहिए, वो इनका रेशियो भी कितना है, 2। जैसी ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, वैसे हमारे पास क्या बन जाएगी, बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बैलेंसिंग लेंथ, 100 माइनस एल, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात, आप मान लो कि स्मॉल आर है, क्या वो है रेजिस्टेंस, स्मॉल आर क्या चीज है बेटा, स्मॉल आर आपका रेजिस्टेंस है पर यूनिट लेंथ, क्या है, स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ जो वायर, जो वायर मैंने यूज की है उसका रेजिस्टेंस, जो किसकी बनी हुई है बेटा, वायर एलोए की बनी हुई है वायर, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस क्या लिया हमने, स्मॉल आर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर स्मॉल आर पर यूनिट, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, तो एल का रेजिस्टेंस कितना होगा, एल वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, भाई एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है आर, टोटल वायर की लेंथ कितनी है एल, तो एल का रेजिस्टेंस कितना होगा, एल आर होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, एल लेंथ वाली वायर का रेजिस्टेंस होगा एल मल्टीप्लाई बाय आर, और एल आर किसका काम करेगा, आर का, एल आर किसका काम करेगा, आर का। और 100 माइनस एल की बात करें, उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, उसका रेजिस्टेंस होगा कितना, 100 माइनस एल इंटू में आर, और ये किसका काम करेगा बेटा, ये काम करेगा आपका एस का, ठीक है। अब हमें चारों रेजिस्टेंस का पता है, देखो एक हमारे पास क्या है, अननोन, पी की वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू हमको पता लगे और इसकी वैल्यू हमको पता लगे, पुट कर दो क्या आएगा, देखो फॉर्मूला क्या था, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू कितना था, आर अपॉन एस, पता है, जितना लाइटली ले रहे हो ना उतना लाइटली है नहीं, समझना बहुत जरूरी, लग रहा होगा आपको बहुत ईजी है, दो चार ही बात समझवानी, ठीक है, पर बेसिक्स जो उसका प्रिंसिपल है, बेस में नहीं गए तो वहीं जो पढ़ा पुरा है सब बराबर हो जाएगा, जितने आपने 30 मिनट मेहनत करी ने सब बराबर हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो पी की वैल्यू तो पी है, हमें पता है अननोन नहीं है नोन है, क्यू की वैल्यू क्या हमारे पास, अननोन है, निकालनी है, पी की वैल्यू तो नोन होगी जो हमें रेजिस्टेंस लगाएंगे। अब आर की वैल्यू कितनी है, देखो बेटा आर की वैल्यू कितनी है, एल आर, और एस की वैल्यू कितनी है, 100 माइनस एल इंटू आर, पुट कर दो यहाँ पर, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल आर, और इसकी वैल्यू कितनी है, दिस वन स्मॉल आर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, तो पी वाई क्यू किसके बराबर आ गया, एल अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है। यहां से मैं निकाल ली किसकी वैल्यू, क्यू की वैल्यू निकाल ली, तो क्या रहेगा, पी मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एल डिवाइड बाय एल, क्यू क्या है, अननोन रेजिस्टेंस, पी क्या है हमारे पास, इस रेजिस्टेंस जो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी, ठीक है, 100 माइनस एल, एल क्या है हमारे पास, बैलेंसिंग लेंथ, एल क्या चीज हमारे पास, आपको करना कुछ नहीं है, आपको मीटर में इसका अरेंजमेंट मिलेगा, आपको सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, अननोन जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो आपको एक वैल्यू तो दे रखी होगी, किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू दे रखी होगी,
और दूसरा ढूंढना क्या आपको, बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ मिली, पी की वैल्यू वहां से रीड करो, इस फॉर्मूले में पुट करो, किसकी वैल्यू निकल जाएगी आपकी, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बिट हो गया भाई डिवाइस, ये हो गया हमारे पास मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज डिवाइस विच इज यूज टू व्हाट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के काम आता है। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो में या फिर मुझे व्हाट्सएप पर किसी भी तरीके से मैसेज लिख कर टाइप करके किसी भी तरीके से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 24/7 आपके लिए सेवाएं उपलब्ध है। ठीक है बेटा, थैंक यू, आज के लिए इतने काफी है। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। ठीक है, हो सकता है कि कल संडे हो, संडे को भी बढ़ा सकता हूँ आपका एक वीडियो, देख लेना पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ेंगे संडे को। ठीक है, मंडे को आपका टेस्ट है, टेस्ट की प्रिपरेशन करो। अच्छा होगा कि पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी में टेस्ट आपको बता देता हूँ कहाँ तक आएगा, टेस्ट आपका आएगा मीटर ब्रिज तक। मीटर ब्रिज तक के सारे आर्टिकल जो पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, सारे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे टेस्ट के अंदर। ठीक है, कोशिश है इस बार की टेस्ट का जो पैटर्न थोड़ा चेंज करें, ऑब्जेक्टिव टाइप ना देकर आपको एक प्रिंट आउट में फोटो जूम उसमें क्वेश्चन लिखे हों, आप उन क्वेश्चन को सोल्व करके नोटबुक की फोटो कॉपी मेरे को भेजो। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ और तरीका मैं अपनाऊंगा, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मंडे को पता लग जाएगा जब भी आपका टेस्ट होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफी था, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।